किसान आंदोलन की आज राष्ट्रपति तक पहुंच गई है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानून का विरोध करते हुए राष्ट्रपति पर ट्रैक्टर फूंक दिया। हालांकि प्रदर्शन उग्र हो पाता, इससे पहले ही ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को तुरंत काबू कर लिया। कृषि सुधार बिल के खिलाफ ये कांग्रेस का अजीबोगरीब प्रदर्शन है। तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से देखिए। कांग्रेस कार्यकर्ता एक ट्रक पर रखकर राजपथ पर ट्रैक्टर ले आए। ट्रक से ट्रैक्टर को सड़क पर उतारा गया, फिर आग के हवाले कर दिया गया। ट्रक फूंकने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाते रहे। प्रदर्शन की खबर लगते ही दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड का दस्ता जल्द ही मौके पर पहुंच गया और आग बुझाकर हालात बिगड़ने से बचा लिया। ट्रैक्टर धू धू कर जलने लगा और इस दौरान किसान बिल के विरोध में मौके पर नारे लगाए गए, लेकिन कुछ ही देर वो लोग यहाँ पर रुके, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आग लगी पुलिस को और फायर को इत्तला मिल गई। किसी ने राह चलते ने पुलिस को फोन किया और इसके पहले कि पुलिस की टीम यहां पर पहुंचती, वो तमाम लोग जो यहां पर 15 से 20 लोग थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, वो मौके से निकल गए। कृषि सुधार कानून के खिलाफ अब तक पंजाब और हरियाणा में ही मुख्य तौर पर प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन आज इसकी लपटें दिल्ली तक पहुंची तो कर्नाटक में भी व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। कानून के खिलाफ कर्नाटक बंद है। ये तस्वीरें देखिए, हासन, कोडागु, बेंगलुरु, शिवामोगा, मैंगलुरु, कर्नाटक के 5 शहरों की तस्वीरें हैं। अलग अलग तरीके से लोग कृषि सुधार कानून का विरोध जता रहे हैं। सरकार कहती है कि कृषि सुधार कानून किसानों के व्यापक हित में है और विपक्ष इसके खिलाफ है। इन सब के बीच किसान कहाँ है कहना मुश्किल है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।